प्रगति मैदान का पुस्तक मेला। जैसे आ गए हों पवित्र गंगा घाट पर, जहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठे हों पंडे पुरोहित, अपना अपना ज्ञान और संस्कार समेटे किसी जजमान के लिए, और वही अपेक्षित जजमान चुनता है किसी एक को बारी बारी अपने विवेकानुसार, जैसे होते हैं विद्यालयों में विवेकाधीन अवकाश, और उसके उपरांत होते हैं अपने अपने कार्य। मेले में रूठी प्रेमिका को प्रेमी बड़ी ही निश्चिंतता से मनाते हैं। यहाँ उन्हें परिजनों का भय नहीं होता। इसी से ज्ञात होता है कि पुस्तकों में हर किसी की रुचि नहीं होती, परंतु काफ़ी समय से बिछड़े हुए लोगों से मिलने का एक विकल्प है पुस्तक मेला, एक विकल्प है पुस्तक मेला। माननीय निशंक जी को बधाई देती हूँ कि आज उनकी दो दो पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर है, और साथ ही पुस्तक प्रकाशित करने वाले NBT को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रीयता की चेतना का प्रखर स्वर, वह जो सूर्य सा तेज उनकी कविताओं में, वह तेज जो दिखाई देता है, और वो कहते हैं रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांधी कथा लौटा दे अर्जुन धीर धीर। तो यह जो राष्ट्रीयता की चेतना का आह्वान है उनका, कि किस प्रकार से राष्ट्र को शक्ति की भी आवश्यकता है, जिनकर पूर्णतः युद्ध विरोधी कवि थे, मानवतावादी कवि थे। ये यहाँ देखिए कार्टून वर्कशॉप चल रही है, अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, वन बाय वन आ रहे हैं, एक साथ नहीं आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, और यहाँ पर ये लोग अपना बता रहे हैं बच्चों को एग्जीबिशन चला। क्या नेचर को नर्चर सिर्फ तभी हो सकता है जब हम अपने डेवलपमेंट को रोक दें, या हम अपनी सारी डेली डे टू डे एक्टिविटीज को रोक दें? इसके साथ सिमिलैरिटीज को अगर हम देखें तो COVID-19 और ब्लैक डेथ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। COVID-19 भी चाइना से स्टार्ट हुआ, 2011 में एक जर्नल ने बोला कि जो ब्लैक उससे बहस करती है, ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर की जो नींव है, वो अपने भक्ति का नहीं सुनी।
गुलाबी चुन्नियों के है ना। तो जो भी आपको लगा आप बता सकते हैं, क्या अच्छा लगा है, कौन सा कॉमिक्स पढ़ा आपने, इंग्लिश हिंदी जो भी बताओ। वो आपको कूपन दिखाया था ना मैम ने, क्वेश्चन QR स्कैन करने के लिए दिया था। हाँ वो दिखा दो कहाँ पे किसके पास है वो वाला। ये थैंक यू। ये देखिए यहाँ बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं और बुक्स देख के भी आए हैं, कुछ कॉमिक्स बता रहे। कॉमिक्स के अलावा और कुछ भी देखा? लाइक ये अच्छा है। चलिए थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अतुल पांडे जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। माला खूंटी पर टंगी उनकी शर्ट, घड़ी जो आसपास ही पड़ी होगी, उनके मैं होने की कमी पूरी नहीं करती। नहीं कहती मुझे क्या प्रतिउत्तर दूं समय को, जो हर दशा में पिता के भारत उन्नत अभियान के तहत उसकी उन्नति और विकास को प्राप्त करता हुआ भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को लेकर खड़ा होने वाला भारत G20 की अगुवाई करता हुआ विश्व के उन्नति के शिखर पर पहुंचता हुआ भारत इन समस्त अभियानों के साथ जुड़कर एक समग्र विकास के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर चलने वाला समस्त जैसे कि भी प्रतिभा सुजाता जी ने बात की और संजीव जी बीच बीच में थोड़ी गुंजलियां छोड़ते हुए बात कर रहे हैं और देवी प्रसाद जी को भी मैंने सुना। एक समन्वित भारत, एक समरस भारत, एक श्रेष्ठ भारत, एक उन्नत भारत, एक सुदृढ़ भारत, अखंड भारत, इन सब के साथ जैसा ये भारत जो हम देखना चाहते हैं, इस भारत का साहित्य आखिर कैसा हो। तो साहित्य समाज का दर्पण है, हम सब बात करते हैं। साहित्य समाज को दिशा देने वाला कार्य करता है और प्रेमचंद जी के शब्दों में कहें तो राजनीति के आगे मशाल लेकर चलता है। और दिनकर जी ने तो यहाँ पे कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाने लगती है तो राजनीति को सहारा साहित्य ही प्रदान करता है।